केंद्रीय तथ्य और सम्प्रचार मंत्री अनुराग ठाकुर जानिएछेन 2021-22 साले देश बिरोधी काज करार अभियोगे मंत्रक यूट्यूब चैनलगुलिर बिरुद्धे कड़ा पदक्षेप नियेछे। राज्यसभाय बृहस्पतिवार एक प्रश्नेर जवाबे श्री ठाकुर बोलेन 94টি ইউটিউব চ্যানেল 19টি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এবং 747টি ওয়েবসাইট সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি আইনে 2069A ধারার আওতায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান ইন্টারনেটে ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগে সরকার কয়েকটি সংস্থার বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। माननीय मंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल पूछा है कि आखिरकार ये जो इंटरनेट पर फेक न्यूज चलाई जाती है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, सर ये मिट्टी के जो रूल है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है सर, उसके सेक्शन 69A के अनुसार सर भारत की अखंडता और प्रभुता को ध्यान में रखते हुए और सर जो डिफेंस, जो भारत की रक्षा सुरक्षा की हम बात करते हैं उसको देखते हुए सर निर्णय समय समय पर किए जाते हैं और हाल ही में 2021-22 में भी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सर कोई संकोच नहीं किया है ऐसे YouTube चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर ऐसे लगभग 69 हमने चैनल्स को 94 यूट्यूब चैनल्स को और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को सर बंद करने का काम किया है और 747 URLs जो है, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इनको बंद करने का काम भी सर जो देश के खिलाफ काम करते थे उसके खिलाफ करने का काम इस सरकार ने किया है। सर हमने कोई संकोच इसमें नहीं किया है। जो मित्र देशों के खिलाफ भी भारत के लिए खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करते थे सर, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने की है। सर सर देश विरोधी ताकतों को जो ऐसा एजेंडा चलाती है सर, ये आवाज तो अब करते हैं, ये जो लोग यहाँ पर खड़े सर, ये उनके खिलाफ आवाज नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। क्योंकि इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं सर, ये GST की मीटिंग में तो जाते हैं, वहां पर आवाज नहीं उठाते, यहाँ पर तख्तियां लेकर खड़े होते हैं।